हाय माय डिवास, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं ये फिलिप्स एपिलिएटर है इसके बारे में बताऊंगी कि इसे अटैचमेंट के साथ में कैसे अप्लाई किया जाता है। ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है कि इसका प्राइस क्या है, इसमें क्या क्या अटैचमेंट आते हैं। तो अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप उसे ज़रूर चेक करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये वाला वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट में बना रही हूँ जिसमें कि पूछा गया है कि अटैचमेंट के साथ में कैसे अप्लाई करते हैं, वो आप प्लीज़ शो करें। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मुझे इसे बनाते हुए बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा सा मैं लेट हो गई उसे बनाने में, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, पर फाइनली मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। और इसे अटैचमेंट के साथ कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और सेकेंड, आप लोगों की तरफ से ये क्वेश्चन आया था कि इसे फेस पर कैसे अप्लाई करते हैं, वो भी प्लीज दिखाइएगा। ये दोनों ही पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्वेश्चन करके जरूर पूछिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी और उन्हें जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए देखते हैं कि अटैचमेंट के साथ में इसे कैसे यूज करते हैं। ऑलरेडी मैं एक वीडियो इस पर शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि इस डिवाइस के अंदर क्या क्या है। ये इस तरह की पैकिंग में आता है, बॉक्स होता है, ये ऊपर से एपिलेटर शो ही हो रहा है आपको। और यहाँ पर इस पे मेंशन भी है कि इसे आप लेग्स, बॉडी एंड फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस बॉक्स में ये टोटल 5 अटैचमेंट दिए हैं और ये वाला जो नीचे का है ये मेन डिवाइस होता है। देन आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि इसे जो है लेग्स एंड हैंड पर अप्लाई कर सकते हैं और अंडर आर्म पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और बैक साइड में यहाँ पर इसका प्राइस, वारंटी टाइम ये सब मेंशन है। और वेट एंड ड्राई दोनों ही तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और 40 मिनट तक आप इसे चार्ज करने के बाद यूज कर सकते हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। और फिर जब आप इसे ओपन करते हैं, ये मेन डिवाइस आपको मिलती है। इसके साथ में एक चार्जर होता है जिसे आप चार्ज करके बहुत देर तक यूज कर सकते हैं। चार्ज करने के बाद आपको ये कॉर्ड हटा दीजिए, ये कॉर्डलेस डिवाइस की तरह वर्क करता है। तो इसमें दो मेन अटैचमेंट होते हैं, ये होता है एपिलेटर और ये होता है शेवर। ये आपके हेयर को रूट से निकालता है पूरा और ये जस्ट आपका सरफेस से निकाल देता है। 5 अटैचमेंट है टोटल, तो इनके जो दो अटैचमेंट्स हैं वो बहुत मस्ट है, उनके बिना आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वो दो अटैचमेंट क्या है, फर्स्ट तो ये लगा हुआ है जिसको कि इस बैक में जो बटन दिया हुआ है यहाँ पे प्रेस करके आप ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये जस्ट ये डिवाइस है और इसके 5 अटैचमेंट आपको वन बाय वन करके मैं दिखाती हूँ। ये है अटैचमेंट 1, 2, 3, 4, 5। तो ये है मेन एपिलेटर का अटैचमेंट और ये होता है लेडी शेवर जैसा। इसको आप अप्लाई करेंगे तो रूट से पूरा हेयर निकलता है, तो थोड़ा सा पेनफुल होता है जितना कि वैक्सिंग में होता है। और जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो आपको बिल्कुल पेन नहीं होता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा कन्वीनियंट है, आप उसे लगाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में से एक अटैचमेंट तो आपको लगाना ही पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों के साथ में ये भी क्लियर कर दूं कि जो ये वाला अटैचमेंट है जब आप इसे अप्लाई करते हैं ये एज अ शेवर वर्क करता है। इसे जस्ट आपको इस तरह से अटैच कर देना है, ये कट से आवाज आती है और ये अटैच हो जाता है। ये बैक पे बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करने से ये निकल जाता है। तो इसमें ये जो बाकी के 3 अटैचमेंट हैं ये वाले, ये नहीं लगेंगे, इसको आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। इसे मैं दिखा चुकी हूँ, एक बार फिर से दिखा रही हूँ इस वीडियो में। जस्ट लाइक आप देखिए, मेरा बहुत हल्का सा यहाँ पे हेयर है। तो यहाँ पे 2 स्पीड दी हुई है, क्लोजअप में देखिए 1 और 2 शो हो रहा होगा। तो ये बटन है, यहाँ पर 2 स्पीड दी हुई है। तो इसे ऑन कर लेते हैं और देन इसे जस्ट डायरेक्ट हेयर के अपोजिट में आपको चलाना है। तो इस तरह से आपको इसे अप्लाई करना है, जस्ट ये 90 डिग्री पर आपको रखते हुए देन अप्लाई करते जाना है। ये बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप हरी में हो तो आप इसे अप्लाई करें और इसे लगाना भी बहुत ईजी है, जैसा कि मैंने बता दिया। अब मैं जो मेन अटैचमेंट आता है एपिलेटर का वो दिखाती हूँ। तो इसे जस्ट बैक का बटन से प्रेस किया। आई होप कि मैं वीडियो में एवरीथिंग एक्सप्लेन कर पाऊँ सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर आप इस डिवाइस को परचेज करना चाहते हैं, अब दूसरा अटैचमेंट लगा रही हूँ। जैसे इसको ऐसे रखना है और जस्ट ये हो गया पूरा। और यहाँ पर ये बाकी के अटैचमेंट आते हैं। तो सबसे पहले मैं ये सबसे बड़ा वाला अटैचमेंट लगा रही हूँ। इसमें लगाना बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, ये डिवाइस है, इसके ऊपर आपको इसे ऐसे रख देना है। जैसे इसको रख के आपको प्रेस कर देना है। ये देखिए, ये अटैचमेंट लग गया।
ये बड़े आराम से आपका निकल भी जाएगा। इसको लगाने से फायदा क्या है कि जब आप हेयर निकालते हैं तो आपको ज्यादा पेन नहीं होता है। ये वाला अटैचमेंट ब्रॉड एरिया पर वर्क करने के लिए है, लाइक आप अपने हैंड के हेयर निकाल रहे हैं या अपने लेग के निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, इसको अप्लाई करने से पेन कम होता है और हेयर एकदम स्ट्रेट होते जाते हैं। तो इसे भी सेम 90 डिग्री पर अप्लाई करना है। तो जब भी आप इसे रखेंगे ये हेयर की ग्रोथ होती है, देखिए ये वाली। और इसको आपने यूं रखा और 90 डिग्री पर करते हुए आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे, हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में आपको ले जाना है। ये मैंने ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे एक टॉर्च जैसा भी है, ये इस तरह से चलेगा और इसको लगाने से पेन बहुत कम हो जाता है इस अटैचमेंट के साथ में। और इसे निकालना बहुत इजी है, जस्ट निकाला और यहाँ पर आप देखेंगे तो हेयर भी लगे हुए हैं। सो मैंने फील किया अटैचमेंट लगाने से वर्क बहुत स्मूथली होता है और आपको पेन कम होगा, और पेन बहुत ज्यादा नहीं होता, उतना ही होता है जितना आपको वैक्सिंग में हो रहा है। तो चलिए अब दूसरे अटैचमेंट की बात करें। अब दो छोटे अटैचमेंट बचे हैं, ये देखिए। तो इसमें ये वाला सबसे नैरो है, ये वाला इससे ब्रॉड है। सो ये जो सबसे नैरो अटैचमेंट है ये फेस पर आता है, अगर आपको फेस के हेयर निकालने हैं तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो इस वाले अटैचमेंट को अगर आपको लगाना है तो आप ये वाले हेयर निकाल सकते हैं जो अपर लिप वाले होते हैं, चिन एरिया के। सो वेरी ऑनेस्टली अगर कहूँ तो मेरे फेस पे बहुत ज्यादा हेयर नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा मैं ये वाला अप्लाई करती हूँ और जो अपर लिप वाले हेयर होते हैं उन्हें ही बस निकालती हूँ। तो अगर आपको ज्यादा फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला अटैचमेंट है, इसको इसका शेप जो बना हुआ है उसी के ऊपर रख के आपको जस्ट प्रेस करना है ये, और इसको कोई आवाज नहीं आती है, ये बस रखने से ही ये सेट हो जाता है इसके ऊपर। तो इसे लगा के आपको थोड़ा सा प्रेस करना होता है शेप पर, और देखिए ये बिल्कुल गिर नहीं रहा और ये लग गया है। तो आप जब हेयर फेस के निकालने हैं अपर लिप के, तो उसमें मैं दिखाती हूँ, ऑन किया, ऑन करने से ही टॉर्च यहाँ पे ऑन हो जाती है। और तो इस तरह से आप फेशियल हेयर निकाल सकते हो और बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। या फिर आप जो ये फिंगर वाले हेयर होते हैं, कई बार यहाँ पर भी कई लोगों के होते हैं, तो उसमें यहाँ पे नैरो एरिया में वर्क कर सकते हो। ये देखिए क्लोजअप में जो भी यहाँ पे हल्के फुल्के हेयर होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। ओके, तो लास्ट अटैचमेंट लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोनों अटैचमेंट मैंने वन बाय वन करके दिखा दिया, ये ब्रॉड एरिया पर, ये नैरो एरिया पर वर्क करने के लिए। अब ये थोड़ा मीडियम वाला आया, इसे आप चीक पर अप्लाई कर सकते हैं, अपने फोरहेड पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे भी सेम प्रोसेस है, ऐसे आपको रखना है और रख के बस प्रेस कर देना है, बस हो गया, कोई आवाज नहीं आएगी और ये जस्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा शेक करने से, देखिए गिर नहीं रहा है। तो ये अटैचमेंट है, लग गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ब्लेड्स बिल्कुल नैरो हो गए हैं, इसमें पूरा वाइड ब्लेड नहीं है कि आपको पूरी स्किन पर पेन हो। एक्चुअली अटैचमेंट इसीलिए दिया गया है कि अगर आपको नैरो एरिया के थोड़े से हेयर निकालने हैं तो आपको इतना सारा ब्लेड का पेन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप वर्क बहुत नैरो एरिया पे कर रहे हैं तो उतने ही नैरो ब्लेड दिए गए हैं। तो अटैचमेंट से ब्लेड आपको सिर्फ इतना मिलता है। इस तरह से अटैचमेंट लगा दिया। अब आप इसको चीक पे, अगर यहाँ पे होते हैं बहुत सारे लोगों के हेयर इस जॉ लाइन के पास में, या ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे होते हैं ना चीक के पास में, तो वहां पर इससे हेयर निकाल सकते हैं। कि ऑन किया, हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में आपको चलाना है 90 डिग्री पे रखते हुए, तो ये प्रोसेस होगी। तो खिंचाव फील होता है, तो इस तरह से आपको लगाना है, फोरहेड पर अप्लाई कर सकते हैं एंड अंडर आर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आपने देखा कितना सिंपल डिवाइस है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, बताया था कि ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल डिवाइस है, आप अपने किट में इसे जरूर रखें। और ये वाला जो सेकेंड पार्ट मैंने शूट किया है इसमें भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आपके किट में ये वाली डिवाइस जरूर होनी चाहिए। अगर आपको इतना महंगा नहीं लेना है तो आप इसका 2000 या 3000 की रेंज वाला भी आता है जिसमें सिर्फ एपिलेटर मिलता है, आप वो ले सकते हैं, या ये लेडी शेवर वाला भी अलग से आता है वो भी ले सकते हैं, बट गुड ब्रांड के साथ ही चाहिए। सो इससे रिलेटेड जो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था उसका लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप चेक कर सकते हैं इसका डिटेल में अनबॉक्सिंग भी। सो उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आप इसे लेके अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो कीप वॉचिंग, टेक केयर, स्टे स्टाइलिश, जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।